Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. Maharashtra set के paper से लिया हुआ एक question solve कर रहे हैं. Question is from ecology section. A species inhabiting different geographical regions is known as sympatric species, allopatric species, sibling species or whether it is a bio species. हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल में जान लेते हैं सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू कम टू द आंसर. तो पहला देखो है सिंपैट्रिक स्पेसिएशन. यहाँ पर सिम का मतलब होता है सेम, पैट्रिक का मतलब होता है प्लेस. तो जब सिंपैट्रिक स्पेसिएशन होता है सो ही दिस डज नॉट रिक्वायर जियोग्राफिक आइसोलेशन. यहाँ पर जियोग्राफिक आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. ये स्पेसिएशन जब होता है तब वहाँ पर कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज हो या फिर सेक्सुअल सिलेक्शन हो या फिर डिफरेंट फूड रिसोर्सेज हो, दीज आर द कॉजेस फॉर दिस सिंपैट्रिक स्पेसिएशन. ओके, तो सेम प्लेस में हो रहा है जब वहाँ पर फूड रिसोर्सेज डिफरेंट हो जाए दो ऑर्गेनिज्म के या फिर कंपटीशन हो जाए फॉर रिसोर्सेस, देन देयर वुड बी अ सिंपैट्रिक स्पेसिएशन. दूसरा जो हमें दिया है वो देखो है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन. यहां पर एलो का मतलब होता है अदर एंड पैट्रिक अगेन प्लेस. तो एलोपैट्री में यहां पर देखो दिस इज अ जियोग्राफिकल आइसोलेशन. जियोग्राफिक आइसोलेशन यहाँ पर जेनेटिक डाइवर्जेंस जो होगा दैट वुड बी बिकॉज ऑफ जियोग्राफिक आइसोलेशन. एक जगह है वहाँ पर बीच में से कुछ वाटर बॉडी आ गई, नए से आ गई, तो दो पार्ट में वो एरिया बढ़ जाएगा एंड दैट वुड लीड टू डिफरेंट स्पेसिएशन. दो स्पीशीज वहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे वाटर बॉडी की दो साइड में. अभी वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए देन इट वुड फॉर्म अ स्पीशीज. ठीक है, तो इस तरह से जो होगा दैट इज अ एलोपैट्रिक स्पेसिएशन. माउंटेन रेंजेस ये भी इसका रीजन हो सकता है. कुछ माउंटेन रेंज एक बीच में अगर माउंटेन है तो उसके एक तरफ की साइड में और दूसरी तरफ की साइड में आपको सिमिलर ऑर्गेनिज्म दिखेंगे मगर दैट वुड बी अ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैविंग अ डिफरेंट स्पीशीज. ठीक है ना, सो दिस इज related to geographic isolation. तीसरा option जो है वो है sibling species. Sibling species हम उसे बोलते हैं which look alike but cannot breed with each other. इनके बीच में breeding नहीं हो सकता है but these species looks alike. They are almost identical. जैसे कि example है flies का. If fly from one species are put with flies from the other species, they do not interbreed. तो इन्हें बोलते हैं हम sibling species. Fourth option जो है वो है bio species. That is a biological species concept. ये दी थी मेयर ने. इसके हिसाब से what is bio species? The species includes various groups of freely interbreeding natural populations isolated reproductively from such other groups. These are known as a biospecies. ठीक है, this lead to genetic isolation and thus speciation. तो this is a biological species concept given by Ernst Mayr. चार ऑप्शन समझने के बाद अगर हम वापस से क्वेश्चन को देखें तो यहाँ देखो अ स्पीशीज इनहैबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स. हमें पूछा है डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स. तो जो हमने देखा अभी उसके हिसाब से एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में वहाँ पर जियोग्राफिकल रीजन का रेफरेंस आता है और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन B. The species inhabiting different geographical regions is known as
allopatric species. Okay, option B is the correct answer for this question. With this, I am concluding with today's video. I wish you very all the best for your exams. Prepare well, do well in your exams. I request you to please like, share and subscribe for my channel, and also to hit the bell icon. Thanks for watching.